नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल वर्षों पुरानी समस्या की केंद्रीय कैबिनेट की वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद तराई एवं भावर के क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। आज केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के लालकुआं पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने सांसद का आभार व्यक्त करते हुए भव्य रूप से स्वागत समारोह आयोजित किया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि वर्षों पुरानी समस्या जमरानी बांध बनाए जाने को लोकसभा में मामला उठाया गया था, जिससे पेयजल नलकूप सहित बिजली बनाए जाने से नैनीताल जिले सहित तराई के उधम सिंह नगर के लाखों लोग लाभान्वित होंगे, जिस पर केंद्र ने अनुमति दी है। बहुत जल्द जिसका निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के इतिहास में एक इतिहास और जोड़ दिया है। जो काम लगभग वो काम को भारत ने पास कर दिया जमरानी बांध को, और दिवाली के बाद सीधे इसमें टेंडर लगेंगे जो जनवरी या फरवरी प्रथम सप्ताह तक खुल जाने चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। और जो 50 साल से ज़्यादा लंबे समय से मांग चल रही थी, लोगों की मांग थी, वो आज पूरी हुई है। इसमें बिजली बनेगी, इसमें पानी मिलेगा, इसमें सिंचाई का पानी मिलेगा, और इसमें बरेली और रामपुर जिले भी इससे लाभान्वित होंगे। हमारा ये क्षेत्र तो होगा ही तराई का और भाबर का, उधम सिंह नगर और नैनीताल का मैदानी क्षेत्र, ये तो होना ही होना है। लेकिन बरेली के गंगेटियम क्षेत्र कहते हैं, वो क्षेत्र भी लाभान्वित होगा।